हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्शगा। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनास फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं बिहार 10th क्लास के उर्दू के प्रीवियस पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 79, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश हुई 1952 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 80, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 81, निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? तो इन्होंने किया उर्दू में एमए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 82, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? यानी सिर्फ इनका नाम क्या है, सैयद अहमद है, और इनको जो खिताब मिला है सर का, तो वो मिला है 1878 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 83, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने जो रिसाला जारी किया उसका नाम है तहजीबुल अखलाक, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 84, नज़ीर अहमद क्या थे? यानी नज़ीर अहमद अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, शायर थे, नकाद थे, तो नज़ीर अहमद थे नावल निगार, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 85, दर्द ज़ेल में से कौन सा लफ्ज मोनस है, यानी फेमिनिन कौन सा वर्ड है इन चारों ऑप्शन में से? तो सबसे पहला ऑप्शन है आसमान, तो ये क्या है, मुजक्कर है। सूरज, ये भी मुजक्कर है। चांद, ये भी मुजक्कर है। ऑप्शन सी में है जमीन, जो कि मोनस है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 86, हमीदा फहमीदा कौन थी? तो ये थी बेटी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 87, मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए, यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई, वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है आगरा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 88, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो ये थे अफसाना निगार, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 89, मनाजिर कुदरत किसकी नज्म है? तो ये नज्म है चकबस्त की, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 90, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था पंडित ब्रज नारायण, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 91, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है दिल्ली में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 92, तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है परवेज शाहिदी का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 93, खड़ा डिनर क्या है? तो ये है मजाहिया नज्म, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 94, रज्ज किस सिंध शायरी का हिस्सा है? तो ये है मरसिए का हिस्सा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 95, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो ये करते थे असद, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 96, दर्द जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? दर्द जेल में जो मसनवी निगार नहीं है वो है अहमद फराज, क्योंकि अहमद फराज बेहद मकबूल शायर हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 97, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो इनका नाम था तसद्दुक हुसैन खान, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 98, बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो ये किरदार है गुलजार नसीम का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 99, तो वो सूरज है तेरी रह जाएंगी, तो इसमें क्या फिल होगा? दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए, यानी कौन सा वर्ड इसमें फिल होके एक मुकम्मल मिसरा बनेगा? तो वो है परछाइयां, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये नज्म किसकी है? ये नज्म है हसन नईम की। सवाल नंबर 100, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो इसमें गालिब क्या है, तखल्लुस है, और तखल्लुस के बारे में मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि तखल्लुस किसको कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 101, दर्ज जेल में इसमें मारफा कौन है? यानी इन चारों में से इसमें मारफा प्रॉपर नाउन कौन है? प्रॉपर नाउन उर्दू में यानी इसमें मारफा किसको कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। तो इसमें खास क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल जो है वो खास है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 102, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर डैश के शायर हैं, जुमला मुकम्मल कीजिए, यानी किस चीज के शायर हैं? वो हैं गजल के शायर, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 103, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो इसमें मिसरे होते हैं दो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 104, जदीद की जिद क्या होगी? जदीद कहते हैं नया, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा?
तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ, कदीम, कदीम कहते हैं पुराने को, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 105, अब्द के क्या माने हैं, अब्द के माने क्या आते हैं, हमेशा के आते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 106, बाप की जमा क्या होगी, तो बाप की जमा होगी अबवाब, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 107, शाहिद जहीन लड़का है, तो इस सेंटेंस में क्या है, जहीन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो जहीन क्या है, सिफत है। सिफत किसको कहते हैं, किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना सिफत कहलाता है। तो यहां पर क्या है, शाहिद के जहन की तारीफ की जा रही है, तो ये क्या है, इसकी सिफत है, यानी एडजेक्टिव, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 108, बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है, यानी ये नज्म किस लैंग्वेज में है, ये है उड़िया जबान में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 109, शेषाद्र शर्मा किस जबान के शायर हैं, तो ये शायर हैं तेलुगु जबान के, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 110, सीताकांत पात्रा का ताल्लुक किस जबान से है, तो इनका ताल्लुक है उड़िया जबान से, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 111, मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे 1797 में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 112, दर्ज जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जो मसनवी निगार नहीं है, शौक लखनवी, चकबस्त लखनवी, मीर हसन, ये तीनों क्या है, मसनवी निगार है। जो मसनवी निगार नहीं है वो है ऑप्शन बी, शौक नीमवी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 113, जहरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है, तो ये लिखी हुई मसनवी है मिर्जा शौक लखनवी की, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 114, दया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे, यानी किसके स्टूडेंट थे, तो ये स्टूडेंट थे आतिश लखनवी के, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 115, बकावली किस मसनवी का किरदार है, ये किरदार है गुलजारे नसीम का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 116, मुसहफी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है गुलाम हमदानी मुसहफी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 117, जलवा दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है, ये कलम लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है कलाम, किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है, तो ये मजमुआ है मुबारक अजीम आबादी का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 118, तेरे होते हुए महफिल में डैश है चिराग, तो ऐसा इसमें क्या फिल होगा जिससे मिसरा मुकम्मल हो जाए, तो ये सही होगा, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये किसकी नज्म है, ये नज्म है अहमद फराज की। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि तमाम बच्चों को तमाम सवालात के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्शगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इसलाह जरूर किया करें, और अपना फीडबैक याद से जरूर दें, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।